पवन जी बहुत 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 अच्छा गाते हैं। आप खेसारी जी के भी सॉन्ग को पसंद करते हैं, पवन सिंह जी को भी सॉन्ग के पसंद करते हैं, आप किन के फैन हैं, आप किन को पसंद करते हैं? अच्छा लगता है खेसारी जी का सॉन्ग जो भी होता है, मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका सॉन्ग। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं कैप्टन भोजपुरी। अभी हमारे साथ है बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी एक्ट्रेस नेहा पाठक जी। मैडम स्वागत है आपका, कैसे हैं? हेलो सभी को, हेलो है मेरी तरफ से, और आपके चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं सभी को मेरी तरफ से हेलो है और हाथ जोड़ के प्रणाम है। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। बनारस में दिख रही हैं, क्या बात है? मैं यहीं पे रहती हूँ। नहीं, खेसारी जी के इवेंट में आ रही हैं। खेसारी जी के इवेंट में क्या है कि अच्छा लगता है खेसारी जी का सॉन्ग जो भी होता है, मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका सॉन्ग। तो उनका इवेंट था और हमें इनवाइट किया गया था, तो हम लोग सोचे कि बिल्कुल आएंगे, और मैंने खेसारी जी के साथ काम भी किया है तो मुझे अच्छा लगता है। कौन से गाने में काम किया है? मैंने उनके साथ 3 सावन के सॉन्ग्स किए हैं। अच्छा। हाँ, एक लामी लामी केस और एक वॉशिंग मशीन जी, और एक शिव शंकर दानी जी। रील बनाकर आपको कैसा लगा, कितना एंजॉय किया आपने? हाँ, बहुत अच्छा लगा। यामिनी जी भी थी और खेसारी जी भी थे, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी लोगों ने रील्स बनाया, अच्छा लगा। सॉन्ग आपको कैसा लगा, ललका टी शर्ट वाला? बहुत धमाकेदार सॉन्ग है और कश्यप जी ने लिखा है तो ब्लॉकबस्टर है ही। कश्यप का कहर अलग ही होता है, अलग होता है। तो उनके वो जो सॉन्ग था कहरा किया के कजरा है जान झगड़ा करा दिल बख, तो उनका वो सॉन्ग भी मुझे बहुत 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 पसंद है और उनके सारे सॉन्ग्स अमेजिंग होते हैं। अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मैंने अभी एक रितेश जी के साथ एल्बम किया है हैप्पी हनीमून। अच्छा। हाँ, तो वो मेरा सॉन्ग कल आने वाला है। और एक एल्बम किया है मैंने कलू जी के साथ, अरविंद अकेला कलू जी के साथ, तो वो भी जल्दी ही आप लोग को देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिएगा मुझे भी। आपने अपना जीवनी कैसे शुरू किया था इस इंडस्ट्री में? मतलब मैंने लाइकी ऐप से शुरू किया था। लाइकी ऐप पे मैं वीडियोस डालती थी, वहाँ पे मेरे काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स थे, 40 मिलियन फॉलोअर्स थे मेरे लाइकी ऐप पे, तो वहाँ से मैंने शुरू किया था। बट वो किसी कारण उसको बंद कर दिया गया, आपको ही पता है कि बहुत सारे ऐप्स बंद कर दिए गए, तो वो भी मतलब बैन हो गया। उसके बाद इंस्टाग्राम रील्स आया, तो हम लोगों ने वहाँ पे मेहनत किया और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। आपका ड्रीम क्या? मेरा ड्रीम यही है कि मैं अच्छे से मतलब काम करूं और अपना नाम करूं, अपने फैमिली का, अपने घर वालों का, यही सबका ड्रीम होता है। सिर्फ भोजपुरी तक ही रहना है या बॉलीवुड तक का भी ड्रीम? देखिए, अभी मैंने इतना सोचा नहीं है कुछ, जो भी वो इंसान के मेहनत के ऊपर डिपेंड होता है कि आप जितना मेहनत करोगे उतना आगे बढ़ोगे। आप खेसारी जी के भी सॉन्ग को पसंद करते हैं, पवन सिंह जी को भी सॉन्ग के पसंद करते हैं, आप किन के फैन हैं, आप किन को पसंद करते हैं? मुझे दोनों लोग बहुत पसंद है। पवन जी बहुत 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 अच्छा गाते हैं और खेसारी जी एक्टिंग के मामले में और गायकी के मामले में भी बहुत ही अच्छे हैं, तो मुझे दोनों लोग बहुत पसंद है। किसी को मैं कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ क्योंकि दोनों लोग आर्टिस्ट हैं और काफ़ी ओल्ड आर्टिस्ट हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, बहुत दिनों से वो लोग काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है, तो वो लोग बहुत अच्छा करते हैं। उन लोगों को मतलब तुलना करना पॉसिबल नहीं है। खेसारी जी का संघर्ष आया है, बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा उनका वो जो सॉन्ग है काफ़ी अच्छा है, और उनकी एक्टिंग देखिए मतलब लाजवाब है, बहुत अच्छी है। मैंने टीजर देखा है उसका, ट्रेलर देख कर लग रहा है कि भोजपुरी में अब तक ऐसा कोई फिल्म नहीं बना था जैसा बना है संघर्ष। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, भोजपुरी की बहुत सारी फिल्में हैं जो बहुत अच्छी हैं, लेकिन खेसारी जी की एक्टिंग उसमें जो है ना वो गजब की है, बहुत ही धासु है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। आप इतना ज़्यादा खूबसूरत हैं, क्या राज है? कोई राज नहीं है खूबसूरती का, भगवान को सबको खूबसूरत ही बनाते हैं, बस लोगों का नज़रिया होना चाहिए देखने का। आने वाली अपने गानों के बारे में बताना चाहेंगे? अभी तो वही मैंने आपको बताया ना कि मैंने 2 एल्बम अभी किया है रिसेंट में, वो आने वाला है, और अभी फ़िलहाल में तो मैं कोई काम अभी नहीं कर रही। अच्छा, एक्टर में तो आपने बता दिया, एक्ट्रेस में आप किसके फैन हैं? एक्ट्रेस में मुझे आम्रपाली जी अच्छी लगती हैं, उनकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। अभी आप सिंगल हैं या फिर आपके लाइफ में कोई है? नहीं, मैं मैरिड हूँ। अच्छा, आप मैरिड हैं। दिखते लगते नहीं है कि आप मैरिड हैं। कब हुआ आपका शादी?
मेरी शादी को 5 ईयर्स हो गए हैं। अच्छा, बच्चे हैं अभी कि नहीं? हाँ, एक बेबी भी है मेरा। क्या नाम है बेबी का? आद्विक, आद्विक नाम है। और मेरे हस्बैंड का नाम है शिवा पाठक, वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री से ही हैं। अच्छा। हाँ, उनके भी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं यूट्यूब पे, तो वो भी मतलब अपना पूरा एफर्ट्स देते हैं, तो आप लोग उनका भी गाना ज़रूर सुनिएगा। ज़रूर। कौन से चैनल से उनका गाना आता है, ऑफिशियल? उनका नहीं, उनका चैनल कंपनी, बहुत सारी कंपनी से भी उनके सॉन्ग्स आए हैं, लेकिन अभी रिसेंट में उन्होंने खुद का चैनल खोला है आद्विक म्यूजिक, उससे वो अब काम कर रहे हैं। आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंततः हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करिए और अपना बहुत सारा प्यार दीजिए इनके चैनल के। धन्यवाद, आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमारे साथ एक खूबसूरत सी प्यारी सी एक्ट्रेस, और इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, इनका बात आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।